हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर के गत रात मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री की शपथ लेने के बाद जिला बिलासपुर में खूब जश्न का माहौल बना रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहां पर देर रात पटाखे चलाए, वहीं पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। हालांकि अमित शाह ने बिलासपुर में की गई अपनी घोषणा को पूरा किया, इस पर कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का भी धन्यवाद किया। अमित शाह ने कहा था कि अनुराग ठाकुर को चौथी बार जिता दो, इसे बड़ा नेता बना दूंगा, ये वादा अमित शाह ने बखूबी पूरा किया है। हालांकि जनता ने भी अनुराग ठाकुर को एक रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया और सांसद में भेजा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन पर विश्वास प्रकट करते हुए उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया। वहीं पर पूरे बिलासपुर में भी खुशी का माहौल बना रहा। लोगों को आशा है कि अब उनके क्षेत्र का विकास और तीव्र गति से होगा और अनुराग ठाकुर जनता की आशाओं पर खरा उतरेंगे। राजकीय प्राथमिक पाठशाला टेपरा की स्कूल प्रबंधन समिति ने प्रारंभिक शिक्षा खंड सदर को ज्ञापन सौंपा। एसएमसी समिति ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि स्कूल में वर्ष 2017 से जेबीटी अध्यापक का पद रिक्त चल रहा है। एसएमसी के अध्यक्ष देशराज ने बताया कि काफी वर्षों से एक अध्यापक के सहारे काम चलाया जा रहा है। करीब 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक ही नियुक्त है। जिस कारण एक शिक्षक के लिए बच्चों के साथ साथ स्कूल अन्य कार्य करना अध्यापक के लिए मुश्किल हो गया है। समिति ने प्रारंभिक शिक्षा खंड सदर से मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र स्कूल में जेबीटी अध्यापक की नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। प्रमाणित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी के प्रधानाचार्य इंजीनियर शिवेंद्र डोगरा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में होटल मैनेजमेंट से संबंधित व्यवसाय, जिसमें फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज और फूड प्रोडक्शन तथा फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट व्यवसायों के अभ्यर्थियों के लिए एब्सोल्यूट बर्बेक्यू चेन ऑफ रेस्टोरेंट द्वारा 80 पदों बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। जिसमें 45 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और जिसमें से 20 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया और उन्हें ऑफर लेटर भी दिए गए, जिसमें उनकी ज्वाइनिंग की तिथि जुलाई माह की दी गई। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 6 माह तक 9,045 रुपए वेतन तथा रहना व खाना कंपनी मुहैया करवाएगी। इस कैंपस इंटरव्यू के दौरान संस्थान के ट्रेनिंग काउंसलिंग व प्लेसमेंट सेल अधिकारी लता देवी व सेल के सदस्य प्रवीण धीमान, रक्षा देवी, रूपलाल, महेंद्र पाल, कन्हैया लाल उपस्थित रहे। सांसद अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर घर पर खुशी का माहौल है। अनुराग ठाकुर के घर समीरपुर में सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा है, तो वहीं धूमल के मोबाइल फोन पर भी बधाइयां देने का सिलसिला जारी रहा। समीरपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने भी पार्टी हाईकमान का अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर आभार जताया है और आशा व्यक्त की है कि अनुराग ठाकुर समर्पण की भावना से काम करेंगे, जिसका लाभ देश और प्रदेश को होगा। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह के अनुराग ठाकुर को बड़ा नेता बनाने के बयानों पर कांग्रेस की टीका टिप्पणियों का धूमल ने जवाब दिया है। धूमल ने कहा कि सफलता के बाद टिप्पणी करने की जरूरत नहीं होती और कांग्रेस भी जानती थी कि परिणाम क्या रहेगा, इसलिए मजबूरी में कांग्रेस के नेता टिप्पणियां करते रहते थे, जो कि आज चुप हो गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में
इस बार कुछ पुराने चेहरों को शामिल न किए जाने पर पूछे गए सवाल पर धूमल ने कहा कि मंत्रिमंडल में चेहरों के नाम प्रधानमंत्री का आंतरिक फैसला होता है। उन्होंने कहा कि नए चेहरों को भी तरतीब देने का फैसला प्रधानमंत्री ने लिया है ताकि मंत्रिमंडल में नया जोश भी हो और पुराना तजुर्बा भी हो। सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर में विश्व हिंदू परिषद का इंद्रप्रस्थ प्रशिक्षण वर्ग का समापन किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विश्व हिंदू परिषद के मुख्य अतिथि जैन ने अपने संबोधन में कहा कि सुंदरनगर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन बहुत सुखद रहा। इस कार्यक्रम में लगभग 150 कार्यकर्ता ने भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि NDA व विपक्ष द्वारा हिंदुओं के विभिन्न मुद्दों को चुनाव के दौरान महत्ता दी गई।